तो अभी जो है अपन आ गए इधर गुवाहाटी में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से बस जो है वो 500 रुपये ले रही है, 600 रुपये ले रही है, जो कि मेरे पास है नहीं। तो अपन चल के जाएंगे शिलोंग। अब और कोई रास्ता नहीं है, बहुत दूर है, 100 किलोमीटर है यहाँ से, और 600-500 रुपये देना मेरी औकात नहीं है। तो अपन चुपचाप जाएंगे यहाँ से, वॉक करके जाने का प्लान है, क्योंकि उतने पैसे है नहीं अपने पास। तो यही एक रास्ता दिख रहा है अभी फिलहाल के लिए। तो अभी जो है अपन हाईवे की ओर जा रहे हैं, यहाँ से अगर मतलब वहाँ से कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा शिलोंग के लिए, लिफ्ट के लिए ना, तो देखता हूँ कोई ट्रक वगैरह कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है। वहाँ से कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ मिल जाए शिलोंग के लिए। बस से उतर चुका हूँ मैं, और 20 रुपीज लिए, अच्छा है यार, मतलब सस्ता पड़ा ट्रैवलिंग। 20 किलोमीटर खींच के लेके आया 20 रुपये भी, तो अच्छा ही है। अब जो है यहाँ से अपन को पकड़ना है शिलोंग के लिए, कुछ देखते क्या होता है यहाँ पे। तो अभी जो है मैं चल रहा हूँ हाईवे पे ही, और थोड़ा सा आगे जा रहे देखते कि वहाँ पे कोई ट्रक वगैरह कुछ नॉर्मल गाड़ी वाड़ी मिल गई तो थोड़ा सा पैसा बच जाएगा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसा है नहीं, ओनली 400 बचे हैं अभी मेरे पास। और मेरे पास पैसे कहाँ से आए बता दूँ मैं आपको, पैसे एक्चुअली मैंने कहाँ से जुगाड़ किया, सब्सक्राइबर ने मुझे कुछ पैसे सेंड किए थे, तो उसमें से 700 रुपये बचे थे, तो 700 रुपये बचे थे, तो उसमें से ट्रैवलिंग का 300 रुपये चला गया, और मेरे पास अभी 400 रुपये बचे हैं। तो अभी मुझे यहाँ से जो है वो शिलोंग पहुँचना है, सर्वाइव भी करना है कैसे भी करके शिलोंग में। अब वो कैसे होगा मुझे नहीं पता, बट देखते हैं। तो गुवाहाटी पहुँचने के बाद एक चीज़ क्लियर थी कि यहाँ से जो है सफ़र वो आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि शिलोंग जाना और वहाँ पे मुफ्त में रहना, फ्री में रहना, कोई हलवा नहीं है जो सफ़र कोई कर पाए। तो मैं वही हाईवे पे वेट कर रहा था, एंड काफ़ी टाइम वेट करने के बाद ये समझ में आया कि यहाँ से भैया कोई लिफ्ट नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जो है यहाँ पे सब टूरिस्ट लोग हैं जो जा रहे शिलोंग यहाँ से, क्योंकि यही रास्ता है जो शिलोंग लेके जाता है। तो मेरे पास जो 400 रुपये बचे थे उसका मैंने कार कर लिया, कैब कर लिया, और यही शेयरिंग कैब है जो हमें लेके जाएगा शिलोंग में। और कोई रास्ता था नहीं, और रात यहाँ पे रुकना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि ये एक हाईवे है। सो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे शेयरिंग कैब कर ही लूँ इनके साथ। तो बस ये जिप्सी है जो जा रही है अभी शिलोंग की ओर, और मैं फाइनली शिलोंग तो पहुँच जाऊँगा, बट शिलोंग पहुँचने के बाद मेरे जेब में सिर्फ 100 रुपये बचेंगे, जिसका पता नहीं मैं क्या करूँगा, बट आई हैव टू सर्वाइव एनी हाउ, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद जो है चैलेंज और होने वाला है, क्योंकि मे बी मुझे वहाँ पर रहने के लिए, खाने के लिए और सोने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला, बट एक हिम्मत है कहीं ना कहीं कि मैं पहुंच जाऊं तो शायद मैं वहां के लोगों से बात करके या कैंपिंग करके या कुछ भी करके वहां पे मैं जुगाड़ कर पाऊं। सो बस अब चलते हैं शिलोंग, देखते हैं नज़ारे कि एग्जैक्टली शिलोंग है क्या। शिलोंग पहुंचते ही एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि शिलोंग जो हो पहाड़ों के ऊपर है,
तो यहाँ पे रहना मतलब और यहाँ पे सर्वाइव करना पता नहीं मैं कैसे करूँगा, बट एक अच्छी फीलिंग भी थी कि यहाँ के लोग मुझे संभाल लेंगे कहीं ना कहीं। तो बस ये नज़ारे में देख रहा था और ये फील कर रहा था कि कितना खूबसूरत हो सकता है शिलोंग, मतलब यहीं से कितना मतलब मज़ेदार लग रहा है। और ठंड शुरू हो चुकी है पहाड़ों पे आते ही, और बहुत ही ठंडी ठंडी फीलिंग आ रही है क्योंकि यहाँ पे बारिश भी हो रही है प्लस ठंडी का माहौल है यहाँ पे। एंड आपको बता दूँ कि शिलोंग का जो मौसम है वो हमेशा ठंडा रहता है, इट्स कूल, इसलिए यहाँ के लोग जो है वो ऐसे मतलब हमेशा स्वेटर पहने रहते हैं। एंड ऐसे मतलब उनका मतलब बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा उनको हैबिट है ठंडे मौसम में रहने की, क्योंकि यहाँ पे ठंडा मौसम हमेशा रहता है, बाहर 12 मंथ्स जो है पूरा ठंडा मौसम रहता है यहाँ पे। सो अब मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ फाइनली, एंड लेट्स सी व्हाट्स हैपन नेक्स्ट कि मेरे लिए अगला चैलेंज क्या है। सो फाइनली आई एम इन शिलोंग और यहाँ पे मुझे एकदम चाइना वाली फीलिंग आ रही है, चाइना जापान वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ पे लोग जो है वो ऐसे दिखते हैं। सो अभी जो है अपने गुरुद्वारा है, लकीली एक बाजू में गुरुद्वारा है, मुझे नहीं मालूम कि वहाँ पे क्या होने वाला है, बट वहाँ पे जा रहे हैं, अब देखते कि वहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली। मुझे मैं अभी कल से मतलब कितना टाइम हो गया, 15 घंटा हो गया, मतलब मैं ऐसे ही ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, 15 to 16 ईयर्स कंटिन्यू ट्रैवलिंग कर रहा हूँ मैं। और खाना वाना थोड़ा बहुत खाया है, बट अभी जो है मुझे फ्रेश होना है और थोड़ा रेस्ट भी करना है, काम भी करना है, एडिटिंग भी बहुत बाकी है, एडिटिंग मतलब पूरा काम बाकी है, ट्रैवलिंग के चक्कर में पूरा काम ही बाकी हो गया। तो अभी देखते हैं जाते हैं वहाँ पे क्या होता है, बात करते हैं, थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ी रखने के लिए, लेट्स सी।